असां परदेसी साडा वतन दराडा बाहु दम दम नाल सवाया हो तो अभी इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं, तो डॉक्टर साहब दोबारा जो है हम बातें करते हैं। आपको इत्तेफाक हुआ है सुल्तान बाबू के मज़ार पे जाने का? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक हुआ बहुत बरसों पहले, बिल्कुल जवानी के अयाम में। तो मैं गया था वहाँ पे शोरकोट, और वहाँ पे उनके वालदैन के मज़ारात हैं, और फिर उसके बाद जो है वो गढ़ महाराजा में जहाँ पे हज़रत सुल्तान बाहू का दरबार है वहाँ पे मुझे हाज़िरी देने का इत्तेफाक हुआ है। जी बड़ा अच्छा हमारा तजर्बा रहा है। मेरा भी इत्तेफाक हुआ है बहुत अर्सा पहले जाने का, 91 में एक कान, तो अब जो बहुत अर्सा गुजर गया है, तो उस वक्त जब मैं गया हुआ तो वाकई बहुत जो है वो बड़ा खूबसूरत वहाँ उनका एक माहौल है, बहुत खूबसूरत, और एक बड़ा लुत्फ आता है ऐसे बुज़ुर्गों के मज़ारों पर जाके। जब बंदा वहाँ पहुँचता है तो एक अजीब सी कैफियत होती है, एक बड़ी खामोशी सी होती है, हर बंदा बड़े अदब के साथ जो है वो आ रहा होता है, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई शोर मत करो। देखा ना, बड़े अदब के साथ जूते जो है आराम से बगल में रखे हुए हैं या कहीं रखे हुए हैं, तो बड़े आराम से आ रहे होते हैं लोग। तो ये सुल्तान बाहू का जो है ये मज़ार जो है इस पर मैंने ये भी सुना है कि पहले कहीं और दफन हुए थे और फिर उनको जो है वो तब्दील किया गया। हाँ जी, वो मेरा ख्याल में दरिया चनाब के शायद उसके दरिया झेलम, शायद दरिया झेलम के पास वो है, वहाँ पे ओरिजिनल जहाँ पे पहले इनकी कब्र मुबारक थी, वहाँ पे दरिया का जब काट वहाँ तक पहुँचा तो फिर उस वक़्त उनके मुरीदैन ने ये फ़ैसला किया कि उनको जहाँ यहाँ से उनके जज्द खाकी को निकाल के तो कुछ दूर दूर जा के जो है वो दोबारा दफन किया जाए, ताकि वो दरिया के जो काट के अंदर वो ना आए। तो उस वक़्त जो है वो आपके जज्द खाकी को वहाँ से मुंतकिल किया गया था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये रवायत दुरुस्त है कि आपको जो है वो मुंतकिल किया गया? जी ऐसा ही सुनने में जो है वो अब तक तो यही आया है। चूँकि अरसा बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर तारीख को इस तरह जो है उसको जोड़ना, इस तरह उसका जो है वो सारा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तारीख जो है उसको बरकरार रखा गया है। जी ज़ाहिर है ये 17वीं सदी की बात है, जब आप थे 1630 में मेरा ख्याल आपकी पैदाइश का वक्त है, तो अब बहुत सारा वक्त गुजर गया है। उस वक़्त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका मेज़बान मोहम्मद खलील आपको हाजिर खिदमत है, और उस हदिया इस्लाम कबूल कीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर गिलानी साहब। कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से हमारे FM लिसनर जो हैं वो हमको नहीं सुन पाए, हम इंतहाई माजत खा हैं, तो ज्वाइन करेंगे जनाब, हमें कॉल पे हैं जनाब प्रोफेसर खालिद साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खलील भाई क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जनाब, बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने एहसान है कि आप तशरीफ़ लाए। कुछ फनी खराबी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर गिलानी साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया जी। तो जनाब जो प्रोग्राम है वो हमने इब्तदा तो कर दी है, पहले 15 मिनट गा दिए और बाद में पता चला कि कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से कुछ दोस्त नहीं सुन पाए, तो हम उसको रिपीट करने के बजाय जो है वो वहीं से सिलसिला जो टूटा था वो शुरू करते हैं। तो डॉक्टर गिलानी साहब कलाम पेश करेंगे, फिर आप पेश करें, और फिर मैं भी इंशाल्लाह हाज़िर हूँ, तो फिर तीनों मिलकर पढ़ते हैं। तो डॉक्टर गिलानी साहब प्लीज़ शुरू कीजिए। मैं वही जो आखिरी मैंने पढ़ी थी बयात, मैं वहाँ से दोबारा शुरू करता हूँ। जी जी। बेबन चलाया तरफ जमीन दे, अर्शों फर्श टकाया हो, घर थी मिले आ देश न काला,
असा लिखिया झोली पाया हो रौनी दुनिया ना कर झेड़ा साडा गे दिल घबराया हो असा परदेसी साडा वतन दराड़ा बाहू दम दम नाल सवाया हो माशाल्लाह माशाल्लाह प्रोफेसर जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि डॉक्टर साहब ने बात ही शुरू कर दिया हजरत सुल्तान बाहू का कलाम जो वो अलग से लेकर याद तक जाते हैं, तो मैं एक शेर अलग से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं कुछ बाकी शेर भी सुनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी ते मन विच मुर्शद लांदा जिस गत उत्ते सोना राधी ओह गत सकांदा हर दम याद रखे हर वेले सोना उठदा बांदा आप समझ समझेंदा ते आपे आप बन जांदा माशाल्लाह 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 प्रोफेसर साहब आपने तो हद कर दी, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा कुछ जो है मैसेज आ रहे हैं दोस्तों के नाम भी ले लेते हैं। जनाब जवार भाई हमको याद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जवार भाई। गुलजरीन भाई हैं, फारूक भाई हैं, और इस तरह पाकिस्तान से जो है अली हैं और अक्सा हैं, ये हमारे साथ हैं। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि अल्फ़ अल्लाह पढ़ियो पढ़हाफ़ज होयो तिन्ना गया हिजाबू पर्दा हो पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो पर तालब होयो
जरदा हजार किताबां पढ़ियां पर जालम नफस तां मरदा बाज फकीरां किसे न मारिया बाहू ए जालम चोर अंदर दा बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त करीम भाई। हमें ज्वाइन किया है जनाब हबीब साहब ने, ताहिर साहब ने, हम उनके मशकूर ममनून एहसान हैं। जनाब डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं जी सीन से सुन फरियाद पीरां दया पीरा ते मैं आख सुनावां केनू हो तेरे जिया मैनू होर ना कोई ते मैं जइया लख तेनू हो फोल ना कागज बदियां वाले दर तो तेक ना मैनू हो जे मैं विच ऐब गुनाह ना होवन बाहु तू बख्शा मैं केनू हो माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत। हमें जनाब जियाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहब आप किधर चलते हैं जी? इरशाद ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजां लूं लूं दे मुड लख लख चश्मा ते मैं इक खोला इक सजा इतना डिठिया सब नावे
और किते वल मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा अजा माशाल्लाह। इजाज़ मुगल साहब ने मैं ज्वाइन किया है, हम उनको भी खुश आमदेद कहते हैं व्हाट्सएप पे। तो आज के मैं को जी मेरा दिल बर सवेड़ा क्यों कर उसनू बावां वेड़े साडे वड़दा नाहीं लख वसीले पावां ना सवेड़ी न दौलत पल्ले क्यों कर यार मनावा दुख हमेशा ए रैसी बाहू रोंदी ही मर जावा माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत जी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत जनाब डॉक्टर साहब प्लीज। बगदाद शहर दी की निशानी उच्चियां लम्मियां चीरां हो ए तन मेरा पुरजे पुरजे ज्यों दर्जी कफनी पाके रलसा संग फकीरा हो बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा बाहु कर सीरा मीरा हो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जनाब प्रोफेसर
रब अर्श मुल्ला ते ना रब खाने काबे ना रब इलम किताबी लब ते ना रब विच मह राबे गंगा ती थी मूल न मिलया पैंडे बे हिसाबे जद दा मुर्शद फड़िया असी छुट्टे सब अजाबे माशाल्लाह माशाल्लाह प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कि आपका शागिर्द होना पड़ेगा। आपकी ये जो लहजे मोड़ते हैं ना आप, ये सिखाना पड़ेगा आपको। रियाज आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, बहुत। तो आप तो कह रहे थे, आप तो कह रहे थे मैं सिर्फ सलूक पढ़ता हूँ, सुल्तान बाबू का कलाम नहीं पढ़ता। नहीं, बस कोशिश करता हूँ जी, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, जितने ये सबका मीठा कलाम है, तो सब पे अल्हम्दुलिल्लाह बंदा थोड़ी सी कोशिश करे तो हो जाते हैं जी। जी, हमें सऊदी अरब से ज्वाइन किया जनाब मेरे भाई यासीन साहब ने, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान से भी हमारी कॉलें आ रही हैं, पाकिस्तान से भी दोस्त अखबाब हमें याद कर रहे हैं। प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी बचते हैं, तो इसमें अगर हम दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा हम जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसकी तरफ वापस आते हैं। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब से बात हो रही थी पहले, तो हमने इश्क पे बात की है कि जो है वो आम शायरी में भी इश्क की बातें होती हैं, सूफियाना शायरी में भी इश्क की बातें होती हैं। तो इसमें जो है फिर डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसमें जो फ़र्क है वो इश्क हकीकी है, इश्क मजाजी की बातें होती हैं उसमें, तो ये मुख्तलिफ बातें होती हैं। तो मैं आपसे ये 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 जानना चाहूँगा कि आप इश्क पे तो बात होगी हमारी, आपने ये कलाम पढ़ा होगा, तो इसमें जो है वो तर्क दुनिया की तरफ जो है वो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है उसको छोड़ने की, हुब्बे दुनिया को जो है वो मिटाना चाहते हैं, और ये हुब्बे दुनिया जो है वो किस तरह मिटती है प्रोफेसर? मतलब आप फकर की बात कर रहे हैं? जी जी, पहले मेरे ख्याल में चूंकि टाइम थोड़ा है तो ये इस पे इस इतना गुफ्तगू का टाइम नहीं होगा। मैं थोड़े से अर्ज कर दूं जो इश्क के हवाले से, इश्क के हकीकी और इश्क के मिजाजी के हवाले से। जी जी। तो मेरा चूंकि थोड़ा बहुत रिसर्च से मेरी इंटरेस्ट भी है और मैंने खुद भी कोई 3 थीसिस लिखे हैं मैं सीने हल के, तो उस वाले से मैं आम तौर पे लोगों के जो पेपर्स होते हैं, जो रिसर्च पेपर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो एक इंग्लिश की प्रोफेसर है डॉक्टर मरिया इजाबेल, उनका एक रिसर्च पेपर है, उसके वाले से मैं थोड़ी आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूंगा। सॉरी आपके शायद जो सवाल था उससे थोड़ा सा हट जाऊं, लेकिन जो आपने इश्क की बात की मैं उसी की तरफ आने वाला हूं। जी जरूर। तो उस रिसर्च पेपर का नाम उसने रखा है चैनल्स ऑफ नॉलेज ट्रांसफर ऑफ सुल्तान बाहू टीचिंग इन मॉडर्न एरा। माशाल्लाह। वो रिसर्च ही उसकी सुल्तान बाहू का जो नॉलेज है वो दुनिया में कैसे फैला, तो उसने इस पे रिसर्च पेपर किया और वो उसने पब्लिश किया एक
जो जर्नल है मुस्लिम परस्पेक्टिव वॉल्यूम 2 है उसका, उसके अंदर जी, तो उसमें उसने चूंकि, अब मुझे नहीं पता कि टेक्निकल खराबी की वजह से जो आपने पहले बातें बयान की हैं उसमें किस हद तक आपने वो बातें बयान की हैं, लेकिन एक थोड़ा सा मिटाज दे दूं कि हजरत सुल्तान बाऊ ने कोई लगभग 140 किताबें लिखी हैं, जी, जिनमें से आजकल जो मौजूदा जो अवेलेबल है वो 30-32 के, कुछ 40 भी कहते हैं, जी, जो कि ज्यादा फारसी में थी, और ये जो कलाम जिस जो हम पेश कर रहे हैं ये पंजाबी जबान में। तो उस डॉक्टर इजाबेल ने जो लिया उनकी सिर्फ एक किताब ली है, सिर्फ अच्छा, एक किताब, मैं 140 की बात नहीं कर रहा या जी जी 32 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक एक किताब की बात कर रहा हूँ, डेथ बिफोर डाइंग जी जी उसका इंग्लिश में तर्जमा किया गया। उसमें से भी उसने सिर्फ 70 जो उनकी नज़में हैं वो चूज की हैं, सारी की सारी किताब नहीं। जी तो उसमें उसने जो उसका मैं नतीजा आपको बताना चाहता हूँ, जो उसका रिसर्च का नतीजा, उसने कहा कि उसमें जो सबसे ज्यादा जो काउंटिंग उसने की है कि कितनी दफा कितना लफ्ज आया, क्या जी जी क्या उन्होंने बातें उसमें की हैं, तो उसमें उसने कहा कि ये जो इश्क का लफ्ज है जिसको इश्क हकीकी हम कहते हैं, जी उन 70 जो उसने नज़में सेलेक्ट की हैं उनमें 105 दफा इश्क का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि उसने एक लिस्ट मरतब की है और उस लिस्ट में टॉप नंबर पे जो नंबर 1 पे आता है वो इश्क का लफ्ज आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह प्रोफेसर, असल में हमारा वक्त जो है वो सिर्फ 2 मिनट बाकी है हमारे पास, तो जी सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ, ममनून एहसान हूँ। हमारी कुछ फ़नी ख़राबी थी शुरू शुरू में जो है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है ऑन एयर नहीं जा सका। हम उसके लिए तमाम सुनने वालों से भी माजरत करते हैं, और जहाँ कहीं हमारे दोस्त अहबाब हमको सुन रहे हैं हम उनके भी बेहद मशकूर ममनून एहसान हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त सऊदी अरेबिया से कॉलें आ रही हैं, हमारे हदायत बायद ने भी ज्वाइन किया है, हम उनके मशकूर ममनून एहसान हैं। प्रोफेसर साहब 10 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। जी, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने दोस्त अहबाब ने इसमें प्रोग्राम में शिरकत की पूरी दुनिया से, उनको रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक, और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला ये जो COVID-19 का जो इसको जा रही है प्रॉब्लम, इससे हमें निजात दिलाए, और आप जितने स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साहब को हम खुश आमदेद कहते हैं और बाकी दोस्तों को भी सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मुख्तसर सर, डॉक्टर साहब। बस मैं प्रोग्राम के हवाले से यही बात करूंगा कि जो हमारी अब नई नस्ल है उसके अंदर जो है इस कलाम को की दिलचस्पी पैदा होनी चाहिए उस, और उनको पता होना चाहिए कि ये इसके अंदर जो है वो मज़हब और माशरत दोनों के बारे में जो है हज़रत सुल्तान बाहू ने बहुत मुफस्सल बयान किया है, और अगर उनको ट्रांसलेशंस ढूंढनी हो तो इसकी उर्दू ज़बान में भी ट्रांसलेशन मौजूद हैं, और जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि इंग्लिश ज़बान में भी जो है इस पर रिसर्च थीसिस लिखे गए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी आने वाली नस्ल को हमारा वर्सा जो है सकाफ़ती वर्सा वो इनके अंदर मुंतकिल करने के लिए हमें जितनी भी कोशिशें हो सकें वो करनी चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। अब हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं, और मैं दिल की अथाह गहराइयों से दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, ममनून एहसान हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आज के इस प्रोग्राम की आप शान बने, और उम्मीद है कि बाकी तमाम सुनने वालों को हमारा ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। हमारे बेशुमार मैसेज जो हैं आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, आप सबका बेहद बेहद मशकूर हूँ, ममनून एहसान हूँ। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम के साथ आपसे